हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 10 के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न जो 20 नंबर के आते हैं एग्जाम में। समझिए पहला क्वेश्चन क्या है। रसखान किस काल की किस शाखा के कवि हैं? जो रसखान है ये किस काल की किस शाखा के कवि हैं? तो याद रखें भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के। ओके, इसका गा वाला सही है, भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको समझें कि सारंगधर रचनाकार हैं, तो याद रखें ये हैं हमीरासो। कौन है हमीरासो? इसका खावाला करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन समझें, तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि रीतिकाल, इसमें रीतिकाल के क्वेश्चन दे रखे हैं। ये देखिए, निम्न में से रीतिकाल की कालावधि कब से कब तक मानी जाती है? जो रीतिकाल है कब से कब तक चला था? वो चला था 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। ओके, इसका पहला वाला सही है, 1643 से 1843 याद रखें। चौथा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन कौन सी हैं? ये बोला गया है कि रीतिकाल की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर याद रखें श्रृंगार रस की प्रधानता, ये भी सही है, और काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, ये भी सही है। तो मतलब ये दोनों ही करेक्ट हैं, इस वजह से इसका गा वाला सही हो जाएगा। का और खा दोनों ही करेक्ट हैं इसके। ओके, इसका गा वाला लगेगा। पांचवा क्वेश्चन समझो, पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखिए पांचवा दे रखा है इसमें कि निम्न में से रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो रीतिकाल है वो अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखें अलंकृत काल के नाम से भी जाना जाता है और श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। तो श्रृंगार काल और अलंकृत काल दोनों के नाम से जाना जाता है, इस वजह से इसका खा और गा दोनों ही करेक्ट हैं। छठा क्वेश्चन क्या है कि रीति मुक्त काव्यधारा के दो कवियों के नाम बताओ। जो रीति मुक्त काव्यधारा के दो कवि हैं उनका नाम बता दो। तो नाम कौन कौन से हैं? एक तो घनानंद, ये भी हैं, बोधा ठाकुर, ये दोनों घनानंद और बोधा ठाकुर दोनों हैं। तो इसका इसका गा वाला करेक्ट है। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं, ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है इस क्वेश्चन बैंक के। चलिए आगे समझिए, आगे याद करने की कोशिश कीजिए। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन दे रखा है कि रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? जो रसिक प्रिया है इसके रचनाकार कौन है? तो याद रखें आचार्य केशवदास। कौन है? आचार्य केशवदास हैं। आठवां क्वेश्चन क्या है, निम्न से मुक्त काव्य के कवि हैं? जो मुक्त काव्य के कवि हैं वो हैं बिहारी। कौन है? बिहारी हैं। और नेक्स्ट वाला है कि केशवदास की रचना कौन सी है? जो केशवदास हैं उनकी रचना क्या है? तो वह रामचंद्रिका, याद रखें रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। ललित ललाम के रचयिता कौन है? तो याद रखें मतिराम है। ललित ललाम के जो रचयिता हैं वह हैं मतिराम। और ग्यारहवां क्वेश्चन क्या है कि निम्न से कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी गई है? पद्माकर द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है? तो वह है गंगा लहरी। कौन सी है? गंगा लहरी है। बारहवां क्वेश्चन समझे, बारहवां क्या दे रखा, देखिए बारहवां क्वेश्चन है कि रीति ग्रंथ कितने रूप में मिलते हैं? जो रीति ग्रंथ है वो कितने रूपों में मिलते हैं? तो वो याद रखें दो, दो में मिलते हैं। तेरहवां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि रीतिकाल के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य कवि हैं? तो याद रखें राजा यशवंत सिंह भी हैं और केशवदास, ये दोनों हैं। तो इस वजह से इनका कावाला और खावाला दोनों ही सही हैं। चौदहवा क्वेश्चन क्या है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं? जो छत्रसाल हैं इसके दशक के रचनाकार कौन है? तो वो याद रखें भूषण है। कौन है? भूषण है। पंद्रहवा क्वेश्चन क्या है वो देखें कि निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख दो कवि कौन कौन से हैं? जो रीतिकाल के दो प्रमुख कवि हैं वो कौन कौन से हैं? तो वह विकल्प का और खा, मतलब पद्माकर और बिहारी, ये दोनों हैं। का और खा दोनों ही करेक्ट हैं। एक बार सुने कि रीतिकाल के प्रमुख दो कवि हैं जो रीतिकाल के माने जाते हैं वो पद्माकर और बिहारी दोनों ही माने जाते हैं। और सोलहवा क्वेश्चन क्या है उसको समझें कि गंगा लहरी रचना है, जो गंगा लहरी रचना है वो किसकी है? वह है पद्माकर की। ओके, ध्यान पर रखें इसको। सत्रहवा क्वेश्चन क्या है, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन से हैं? तो भूषण है, याद रखें भूषण। अठारहवा क्वेश्चन क्या है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं? तो वह है केशवदास। कौन है? केशवदास हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, उन्नीसवा क्वेश्चन दे रखा है, देखिए समझिए इसको कि भूषण किस युग के कवि हैं? तो भूषण है रीतिकाल के। किसके? रीतिकाल के हैं। बिहारी किस युग के कवि हैं? तो बिहारी हैं रीतिकाल के। किसके? रीतिकाल के। केशवदास काव्यधार के कवि हैं, तो याद रखें ये रीतिबद्ध काव्यधार के कवि हैं। कौन? केशवदास। और 22वां क्वेश्चन क्या है कि रीतिकाल की रचना है, जो रीतिकाल की रचना है वह रामचंद्रिका। कौन है? रामचंद्रिका। देखिए 23वां क्वेश्चन दे रखा है कि रीतिकालीन कवि हैं, जो रीतिकालीन कवि हैं वो कौन है? वह है पद्माकर, याद रखें। कौन है? पद्माकर है। और चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन क्या क्या दे रखे हैं उनको समझते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आ रखे हैं आधुनिक काल से, ये 24वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आधुनिक काल की
समय अवधि कब से कब तक मानी जाती है, जो आधुनिक काल चला था वो कब से कब तक चला था, तो याद रखें 1843 से वर्तमान तक, मतलब अब जो समय चल रहा है 2024 अब तक, 1843 से अब तक चलता आ रहा कौन आधुनिक काल। 25वां पढ़े, निम्न में से आधुनिक काल के कवि नहीं है, तो याद रखें बिहारी भी नहीं है क्योंकि रीति काल के हैं, भूषण भी नहीं है, तो इस वजह से इसका तीसरा करेक्ट होगा। 26वां क्या कि निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी हैं, तो आधुनिक काल की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, जीवन के यथार्थ की प्रधानता ये भी करेक्ट है, बौद्धिकता की प्रधानता ये भी करेक्ट है, इस वजह से इसका का और खा वाला सही है। इस टाइप के जब भी आंसर मिले आपको यही लगाना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा आर्य है। 27वां क्वेश्चन पढ़े क्या है, देखिए भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है, जो भारतेंदु युग है वो किस काल के अंतर्गत आता है, तो याद रखें आधुनिक काल के, किसके आधुनिक काल के। क्या कि अद्भुत आलाप के कवि हैं, जो अद्भुत आलाप हैं के कवि हैं, तो वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। और 29वां क्या है कि निम्न में से आधुनिक काल के अन्य नाम हैं, तो आधुनिक काल के अन्य नाम पुनर्जागरण काल ये भी है, नवीन विकास काल ये भी है, गद काल, मतलब ये सारे के सारे करेक्ट हैं। और 30वां क्वेश्चन क्या है उसको समझे, 30वां दे रखा है इसमें, निम्न से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो घोर वैयक्तिकता और यथार्थवादी दृष्टिकोण दोनों ही करेक्ट हैं, इस वजह से इसके पहले और खा वाले दोनों ही करेक्ट होंगे। 31वां क्या कि द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि कौन सा है, तो द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि देखिए मैत्रीचरण गुप्त, ये जो मैत्रीचरण गुप्त हैं ओके, ये एक प्रसिद्ध बहुत ज्यादा फेमस हुए थे मैत्रीचरण गुप्त द्विवेदी युग में, याद रखें। अब इनका देखिए एक महाकाव्य फेमस हुआ था कौन सा, आगे दे रखा कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है, तो मैथिलीशरण गुप्त ने ही करी थी, याद रखें साकेत इनका जो महाकाव्य बहुत ज्यादा फेमस हुआ था उस टाइम। और 33वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं, तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक इन चारों में जो माने जाते हैं वह है राम कुमार वर्मा, याद रखें राम कुमार वर्मा और भी हैं बट ये राम कुमार वर्मा इन चार ऑप्शन में। 34वां क्या कि राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है, तो राम कुमार वर्मा द्वारा कौन सा है प्रबंध काव्य कौन सा है, तो वह उत्तरायण, उत्तरायण याद रखें। और 35वां क्वेश्चन क्या है उसको देखें, कुमकुम किस विधा की रचना है, जो कुमकुम है वह कविता संग्रह, क्या है कविता संग्रह है कुमकुम। 36वां क्वेश्चन क्या है उसको समझे, 36वां दे रखा है छायावाद के आस्थावादी कवि हैं, जो छायावाद है इसके आस्थावादी कवि हैं वह हरिवंश राय बच्चन, कौन है हरिवंश राय बच्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट टाइम की हैं, इनको आपको जरूर पढ़ के जाना है। और देखिए कौन कौन से आ रखे हैं इसमें, देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है क्या है कि यहाँ पर बोला गया है कि प्रगतिवादी युग की दो प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो वह मानवतावादी प्रवृत्ति और विद्रोह एवं क्रांति की भावनाएं, इसके गावाले और खावाले दोनों आपको याद करने हैं। अगला है निम्न से छायावाद की दो प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो याद रखें श्रृंगार और प्रेम वेदना ये भी करेक्ट है, प्रकृति का मानवीकरण ये भी करेक्ट है। और देखिए ये मोस्ट टाइम पे ये वाला आपको जरूर पढ़ के जाना है, ये वाला जो क्वेश्चन है क्या है कि प्रगतिवादी युग की कलावधि कब से कब तक तो मानी जाती है, तो ये है 1936 से 1943 के बीच, 1936 से 1943 के बीच में मानी जाती है। और 40वां क्वेश्चन क्या है उसको समझिए, 40वां देखिए क्या है प्रयोगवादी युग की कलावधि कब से कब तक मानी जाती है, जो प्रयोगवादी युग है वो कलावधि कब से कब तक मानी जाती है, वह 1943 से 1943 से 1953 ईस्वी तक, तो इसको खवाला याद रखें। 41वां क्या कि निम्न में से छायावाद युग का कवि है, निम्न में से छायावाद युग का कवि है, तो वह सुमित्रा नंदन पंत, कौन है सुमित्रा नंदन पंत है। 42वां क्या है नई कविता की प्रमुख विशेषता कौन सी है, जो नई कविता है उसकी प्रमुख विशेषता कौन सी है, वो है बौद्धिकता की प्रधानता, कौन सी है बौद्धिकता की प्रधानता है। और नेक्स्ट वाला है पलाश, पलाश बन के रचनाकार कौन है, जो पलाश बन के रचनाकार है वह है नरेंद्र शर्मा, कौन है नरेंद्र शर्मा है। और 44वां क्वेश्चन क्या है कश्मीर सुषमा के रचनाकार हैं वह है श्रीधर पाठक, कौन है श्रीधर पाठक है। देखिए ये 45वां एमपी है इसको याद रखना आपको, यामा के रचयिता कौन है महादेवी वर्मा है, कौन है महादेवी वर्मा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। द्विवेदी युग की कालावधि कब से कब तक तो मानी जाती है, तो याद रखें 1900 से 1918 के बीच में, 1900 से 1918 के बीच में। और ये भी मोस्ट टाइम पे है कि आंगन के पारद्वार रचयिता है, तो वह है अज्ञेय, याद रखें इनका नाम अज्ञेय। और 48 के हैं कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, वह हुआ था 1959 में, मतलब क्या है 1959 में। और 49वां क्वेश्चन क्या है वो देखिए, 49वां देख रखा है कि निम्न कथनों में से एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए, तो वह संस्कृत के चार अध्याय के
के जो लेखक हैं वह है रामधारी सिंह दिनकर। और 50वां क्या है कि महादेवी वर्मा कवित्री हैं, वो हैं कप्पी, वो मानी जाती हैं छायावाद युग की। कौन है? छायावाद युग की हैं। और थोड़े से और बचे हैं, जल्दी देखें इनको। देखिए 51 क्या है कि महादेवी वर्मा का, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है इसमें से। निहार भी है, सांध्य गीत भी है और दीपशिखा भी है, बट ये युगांत नहीं है। प्रिय प्रवास किसकी रचना? मोस्ट टाइम पे ये प्रिय प्रवास, याद रखें, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मोस्ट टाइम पे है। 53वां क्या है कि राम की शक्ति पूजा का रचनाकार है, तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और 54वां क्या है कि निम्न में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है, तो याद रखें कौन नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला दे रखा है यशोधरा रचना है, यशोधरा किसकी है? मैथिलीशरण गुप्त की है। किसकी है? मैथिलीशरण गुप्त की है। और नेक्स्ट वाला है दीपशिखा का काव्य संग्रह रचना है, जो दीपशिखा काव्य संग्रह, दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है वो है महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। और 57 क्या है कि छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? तो छायावाद युग की हैं श्रृंगार और प्रेम वेदना, श्रृंगार और प्रेम वेदना है। और 58 क्या है कि निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, तो वह हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। अगला दे रखा है साकेत किस युग के रचनाकार हैं, तो साकेत किस युग की रचना है? तो वह द्विवेदी युग की। किसकी? द्विवेदी युग की। अगला दे रखा मोस्ट टाइम पे लोकायतन वाला क्या है कि लोकायतन के रचनाकार कौन है? वह सुमित्र नंदन पंत है, सुमित्र नंदन पंत है। 61वां क्या कि बहुरी अकेला के रचनाकार हैं, तो वह अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी हैं। और नेक्स्ट वाला है कि तार सप्तक के संपादक कौन है? तो वह सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञेय, याद रखें तार सप्तक के संपादक हैं ये। और लास्ट वाला दे रखा कि सुमित्रानंदन पंत रचना है किसकी है, याद रखें। देखिए सुमित्रानंद पंत की रचना कौन सी है इसमें से चारों में से? तो वह है आपकी युगवाणी, युगवाणी। ये सारे के सारे मोस्ट टाइम पे 63 क्वेश्चन थे, ओके, पदांश के पद वाले हैं, तो ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।